हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए, वैसे तीन सूचनाएं हैं, वन बाई वन करके सभी आपको देते हैं। देखिए, पहली सूचना है, आप लोग जानते हैं जैसे यूपीपीसीएस की हमारी यहाँ पर क्लासेस चलती हैं, 3 बजे से लाइव क्लास चलती है। तो देखिए, आज ये 3 बजे वाली लाइव क्लास आज नहीं हो पाएगी। देखिए, अभी अभी वैसे 3 ही बज रहा होगा, मतलब 3 बज रहा है। अभी हम आए थे तो अभी क्लास शेड्यूल कर रहे थे, तो देखिए अभी 3 बजने में अभी 2-3 मिनट कम है, तो क्लास क्यों नहीं हो रही है? आप सोचेंगे कि सर अभी के पढ़ाने के लिए फिर भी बोल रहे हैं कि आज क्लास क्यों नहीं है, तो क्लास इसलिए नहीं है। देखिए, रात से आज हमारे यहाँ पर लाइट नहीं थी और हम फैन और कूलर चलाते रहे थे क्योंकि आज गर्मी काफी थी। हमें लगा लाइट आई आ जाएगी, जैसे डेली आ जाती है, लेकिन आज लाइट आई ही नहीं है यहाँ पर। और हमारा इन्वर्टर है वो डाउन हो चुका है यहाँ पर, अब हम क्लास नहीं दे पाएंगे। बीच में ही क्लास बंद हो जाएगी 20-25 मिनट के बाद में। तो हमने सोचा एक छोटा सा ट्यूटोरियल बना करके आप लोगों को बता दे कि देखिए, हम ऑन टाइम पर आए थे पढ़ाने के लिए, लेकिन क्या करें, यहाँ पर इन्वर्टर है वो बैकअप नहीं दे पा रहा है क्योंकि पूरा दिन हो गया है, पूरी रात हो गई। आज रात में भी चल रहा था और दिन में भी पूरी चलता रहा, इससे इस वजह से डाउन हो गया है। तो आप लोग क्या करना है, तो आप लोग यहाँ पर जैसे बहुत से लोग हैं वो बोल लेते हैं कि सर टास्क देते हैं उसमें मैपिंग में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, मैपिंग की कुछ वीडियो है जो पहले हम आपको कुछ महीने पहले आपको पढ़ाए थे, तो ये वीडियो आप वन बाय वन करके देख सकते हैं, जितनी आप लोग चाहें उतनी देख सकते हैं। दो हमने वीडियो उस टाइम दी थी आप लोगों के लिए परसों नरसों वाले दिन देखने के लिए, आगे की आप पार्ट 1 या पार्ट 2 आप लोग देख सकते हैं। और जिन लोगों ने ये वाली नहीं देखी है वो लोग ये वाली जा करके देख सकते हैं। देखिए, ये वाली वीडियो है, ये दोनों की दोनों वीडियो है ना, ये एक ही है। एक ही क्यों है, क्योंकि फर्स्ट वाली वीडियो में माइक में प्रॉब्लम आ गई थी, तो लास्ट में 10-15 मिनट उसमें आवाज नहीं आई थी, तो उसी का आगे का इसमें आपको देखने को मिलेगा। ओके, और वैसे ही नेक्स्ट फिर आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी, वन बाई वन आप लोग देख सकते हैं। इसका लिंक भी हम दे देंगे, या फिर आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मैपिंग बाई आरजी सर या मैपिंग बाई कला बाई एस फ्रेंड, आप कुछ भी डाल दीजिए आपको मिल जाएगा। इस तरह से थंबनेल लगा हुआ होगा, या फिर आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जाकर के देख सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए, विजन, अगर आप लोग 2023 का अगर पेपर दे रहे हैं, आईएएस पीटी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसकी देखिए टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश में अब आ गई है। हम आज से टेलीग्राम पर सेंड करने लगे, कल हमने रात में सेंड की थी लेकिन वो पीडीएफ ठीक से सेंड नहीं हो पाई थी, तो अभी हम तुरंत दोबारा सेंड कर देंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पर हम सारा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, लिमिटेड स्टडी मटेरियल और जो इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा वही शेयर करते हैं, जिससे आपके अंदर भटकाव ना आए और बार बार आपको परेशान ना होना पड़े, बार बार नोटिफिकेशन चेक कर रहे कि क्या आया। तो बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल जो बेकार का होता है डेली डेली सेंड करते रहते हैं वो हम नहीं करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वही स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो उसका लिंक है। तो टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, तो देखिए आपको सिर्फ लिखना है क्लब आईएएस, टेलीग्राम में जाइएगा, ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है ना, तो वहां पर आपको लिखना है क्लब आईएएस एस्पिरेंट। ओके, या फिर आप लोग @ क्लब आईएएस लिखेंगे तो भी मिल जाएगा, या फिर क्लब आईएएस एस्पिरेंट आप लोग सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। किसी भी तरह से आप लोग सर्च कर सकते हैं तो आपको हमारे चैनल मिल जाएगा, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर अभी हम पीडीएफ सेंड करने वाले हैं, मतलब टेस्ट सीरीज सेंड करने वाले हैं। ओके, अब वो टाइम टू टाइम जैसे टेस्ट आते जाएंगे तो वैसे वैसे उसमें ऐड करते जाएंगे। और जिन लोगों ने टास्क अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, ये टास्क कंप्लीट कर लीजिए जाकर के। ये टास्क आपको डेली सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए मिल जाता है, जहां आपको बताया जाता है कि आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिविजन करना है, क्या मैपिंग टास्क कवर करना है, और एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मेंस का लिखने के लिए दिया जाता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर ही लेक्चर को फिनिश करते हैं, और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके।